हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मीडिया न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक्वामैन मूवी के बारे में, उसके रिव्यूज के बारे में कि पर्सनली ये मूवी मुझे कैसी लगी, और बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, क्योंकि ये मूवी अमेरिका से पहले इंडिया में रिलीज हुई और 3 दिन में इस मूवी ने कितना कमाया मैं आपको मूवी इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्वामैन रिव्यूज के बारे में। तो पर्सनली ये मूवी मैं सबसे पहले आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप ये मूवी अभी नहीं देखी है तो इस मूवी को 3D में देखें, ना कि 2D में, क्योंकि 3D में आपका पैसा वसूल है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इस मूवी के जबरदस्त एक्शन के साथ 3D में ये और मजे दुगना कर देती है। तो फाइनली रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो जेम्स वॉन के निर्देशक में बनी एक्वामैन मूवी अमेरिका से पहले रिलीज हुई भारत में 3 दिन में ताबड़तोड़ कमाई करने के बाद, और पर्सनली इस मूवी को 3D 2D में देखने के बाद मेरे मुंह से बस एक ही वर्ड निकलेगा, फैंटास्टिक, अमेजिंग। क्योंकि अंडरवाटर मूवी पहली बार देखी और बस पूरी मूवी में बस एक ही चीज सोचता रहा कि ये मूवी यार जेम्स वॉन ने बनाई कैसे होगी, क्योंकि अंडरवाटर में पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि इनके बाल हिल रहे थे और काफी सारी ऐसी मूवमेंट थे जो कि टोटली मतलब इम्पॉसिबल सा लग रहा था। फिर भी एक अंडरवाटर मूवी पहली बार देखी एक सुपर हीरो की, शानदार स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तो काफी लाजवाब थी। अगर आप जिसने भी ये मूवी देखी है तो एंडिंग में वो पानी से ऊपर निकलता है और छलते हुए बोलता है मेरा नाम है एक्वामैन, काफी फैंटास्टिक। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हर सुपर हीरो की एंडिंग इसी तरीके से हो कि वो अपना नाम ले। और DC की ये मूवी, मेरे को काफी सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई DC के सबसे बेस्ट फैंटास्टिक मूवी है, यानी कि वंडर वुमन से भी ज्यादा बेटर। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना, पर मुझे तो लगता है कि हाँ DC की सबसे बेस्ट मूवी है, क्योंकि हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन देखी, उसके बाद जस्टिस लीग देखी, मैन ऑफ स्टील देखी, पर सबसे बेस्ट मुझे एक्वामैन लगी, क्योंकि पर्सनली ये मूवी इंडिया में पहले रिलीज हुई, हिंदी में रिलीज हुई, और इस मूवी ने जिस तरीके से अपने प्रदर्शन को दिखाया मजा आ गया। और देन डबिंग फैंटास्टिक, हर कैरेक्टर काफी अच्छा था, डिटेल में था, और देन कोई भी मतलब ऐसा कंफ्यूजन नहीं था कि कौन है ये बंदा, कहां से आया, क्या था इसका कनेक्शन। हालांकि इसमें 2 टाइप की टाइमलाइन थी, एक तो जस्टिस लीग से पहले की और जस्टिस लीग के बाद की, क्योंकि स्टीफन बुल का जैसी नाम लिया तो मुझे अंदाजा हो चुका था कि इस मूवी में 2 टाइमलाइन चल रही है। अब काफी लोगों को समझ में आ गया होगा तो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। ओवरऑल ये मूवी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। तो अभी हाल ही में 14 तारीख को ये इंडिया में रिलीज हुई और इस मूवी ने 14, 15, 16 और आज का 17वां दिन इंक्लूडिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, पर 3 दिन की कमाई टोटल 7,50,00,000 रुपए हुई है, जो कि बहुत अच्छी कमाई है। और देन जाते जाते आपको एक खुशखबरी भी देता जाऊँ, एक्वामैन के डायरेक्टर जेम्स वॉन ने DC यूनिवर्स में एक्वामैन 2 को डायरेक्ट कर लिया है, यानी कि साइन कर लिया है, और वो इस मूवी के सेकंड पार्ट को भी डायरेक्ट करेंगे। और बदले में फ्लैश के ऊपर से भी काफी सारे अपडेट आ रहे हैं कि जेम्स वॉन ही उस मूवी को बनाएंगे। तो कैसा लगा अपडेट? अगर आपको ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पे एक्वामैन के हाथ मारो या पैर मारो, और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।